सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोपहर के 1:11 हो गए हैं और आज ब्लॉगिंग जो है 1:11 पे शुरू हुआ है। उसके पीछे एक वजह है, सिर्फ एक ही वजह है कि सुबह 9 डॉक्टर के यहाँ गए। अब डॉक्टर के यहाँ क्या हुआ एक्चुअल में, मैं सोचा शेयर कर लेते हैं। थोड़ा गाड़ी चलाते चलाते ऑफिस जा रहे हैं फिलहाल, हाँ भैया निकालो। तो एक्चुअल में हमारी जो फ्रेंड है उसकी तबीयत हो गई रात में ख़राब 3 के आसपास। तो मेरा फ़ोन रहता है साइलेंट पे, मुझे पता चला सुबह 9, मतलब 9 उठा तो मैं चेक किया, तो फिर मैं घर गया। फिर वहाँ से लोकल जो फिजिशियन होते हैं डॉक्टर MBBS उनके यहाँ गए और इंजेक्शन वगैरह लगा उनको। तो बीमारी जो थी, बीमारी नहीं मतलब वॉमिट हो रहा था और सर चकरा रहा था लेटने पे, इसका डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कर दिया। तो अब जाके मतलब 10 के आसपास जो है इंजेक्शन और कुछ मेडिसिन वगैरह उसने लिया 10-11 के बीच में। तो 1:00, 2-3 के बाद जो है दवाई का इम्पैक्ट हुआ, सब अच्छा फील कर रही थी। तो फिर मैं निकला, साथ में वसीम भाई थे हमारे, सारिका थी, अब बहुत सारे थे लोग, 3-4 जो दोस्त हैं और भाई हैं तो सब थे वहाँ पे। तो फिलहाल तो अभी ठीक है, तो अभी हमने सोचा चलो चलते हैं ऑफिस। तो शेड्यूल यही है ऑफिस का, और साथ में ये अनुभव हुआ अभी जैसे आज नॉर्मल सा है। मतलब ये सोच रहा था कि एक नॉर्मल सर में दर्द है और वॉमिट हुआ, हम डॉक्टर के पास लेके गए या हॉस्पिटल के लिए ट्राई किए, में कितनी तकलीफ, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई। फिर लॉकडाउन चल रहा है, कुछ हॉस्पिटल में रात में 3-4 अब्दुल्ला उनका भाई लेके गया था, तो वो हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल हो गया था, तो वहाँ नहीं हुआ। फिर 24 जो मेडिकल शॉप होता है वहाँ पे उनसे मतलब दवाई लेके, जो वहाँ भी डॉक्टर बैठते हैं थोड़े नॉलेज वाले, तो उनसे दवाई लेके सुबह 8 तक वेट की, वो फिर हम लोग आए तो फिर डॉक्टर के पास गए। तो ये एक सर में दर्द है या वॉमिट हो रही है, इसको लेके इस लॉकडाउन में इतनी टेंशन में आ गए हम लोग, कोई भी आ जाएगा परिवार वाला। तो अब ये सोचो किसी घर में कोविड हो गया होगा, मतलब ये छोटा सा चीज़, छोटी सी चीज़ हुई, इसके लिए हम लोग थोड़े सी चीज़ के लिए ये कंसंट्रेशन में आ गए कि यार फाइनेंशियली थोड़ा पैसा है, लॉकडाउन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो माइंड में चलने लगा। अब किसी के परिवार में इतने ये माहौल में अगर कोविड हो जाता होगा तो यार वो कैसे हैंडल करते होंगे, मिडिल क्लास फैमिली कैसे पैसे का इंतजाम करते होंगे, कैसे अरेंजमेंट करते होंगे। डॉक्टर्स कोविड हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए भागना पड़ता है, फिर एक तो जगह हॉस्पिटल भी चाहिए और पैसे भी अरेंज करने हैं। ऐसा नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि आज के डेट में इतने साउंड होंगे कोई कि 10 लाख रुपये 20 लाख रुपये इमीडिएटली अगर कोविड पेशेंट कोई भी हो जाए तो 10 लाख खर्च कर सकते हैं। कहीं ना कहीं लोग फिर इंतजाम करते हैं रिलेशन से या कहीं से, सब जगह वही हाल है। तो वो मैं सोच रहा था ड्यूरिंग दिस जो भी चल रहा था। तो अल्टीमेटली ये है कहना कि ध्यान रखिए, प्रिकॉशन रखिए, कोई भी सिम्टम्स आता है तो कोई भी बीमारी का अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि अच्छा ठीक है कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, वो डे बाई डे ग्रो होना है। तो बेटर है कि वो ज़्यादा नुकसान हो, ज़्यादा तकलीफ में आ पाएंगे, बेटर है डोंट बी लेजी, बी ऑन टाइम। देखिए भाई कैसे गुस्सा रही है, चले ऑफिस चलते हैं। आज जो है आने वाले हैं आशीष सर ऑफिस में और राहुल सर आएंगे, तो चलते हैं उनसे मिलते हैं। लंच का टाइम हो गया है, देखते हैं लोग कितने बजे पहुंचते हैं या पहुंच गया पता नहीं। गॉड नोस। सर जी अच्छा कितने मेरे को रेंट चाहिए, रेंट चाहिए, किधर है आप? हम नहीं जानते जी, बोलने से रेंट चाहिए, चार बजे से रेंट नहीं मिला इस ऑफिस का। अरे सर मैं तो खुद लेने आया हूं। अच्छा ऐसा है क्या? हां ये ऐसे दोस्त रहेंगे तो दुश्मन की कमी नहीं है। भाग गए बैठने से पहले, ज्यादा लोटा पानी दे दो यार, क्योंकि आज अब बोतल में पानी दे रहा हूँ, उनको प्यास लगती है। बाप रे तो पूरा तैयार कर दिया आपने तो, इतनी भूख लगी थी आप नाश्ता फेल गया। हाँ मैं नाश्ता आज करके आया था। डेडिकेशन रखना पड़ता है और हमारे ध्यान रखना चाहिए था। आप ध्यान नहीं दिलाते इनको कैमरा लेके चलने के लिए। आज तो ध्यान नहीं दिलाया, दिलाना चाहिए था ना। पानी चाहिए सर, पानी है। बहुत दिन हो गया आपने कैमरा नहीं, बहुत दिन। अरे लास्ट कौन सा ब्लॉग डाले हैं मेरे को लगता है कौन सा वही वो उज्ज्वल जी वाला फार्म हाउस वाला। अब बताइए कैसे एग्जाम दे रहे थे सर, 10th का? नहीं वो ब्रिलियंट सर, बहुत सारे ब्रिलियंट थे, अपने को बहुत स्टडी किए थे। अच्छा हाँ, दिन रात पढ़ते थे इधर उधर, झांकने नहीं दे रहे थे।
तो आप अकेले थे कि पूरा बैच क्लास का? उस रूम में सब वही थे। टेंथ में? हाँ, जब कभी हो। अच्छा था सिस्टम क्या? तो मास्टर साहब को इतना प्यार क्यों आ रहा था? कंबाइन था, चलता था। उस रूम में वही लोग बैठे हुए थे। पैसा उससे लेके कुछ अलग सा होगा। पैसा लेते थे क्या? उस रूम में 2.5 करोड़ रुपया था। बाप रे, उस समय तो साला कितना एकड़ जमीन हो जाता इधर बम्बई में। 100 एकड़ 200 एकड़ हो जाता। सो आज जो आशीष जी आए, और अच्छा लगता है जब दोस्त यार आ जाते हैं। 6 बज गए हैं तो कॉफी चाय और खाना खाने के बाद बड़ा बिजी शेड्यूल था। काफी सारे लोग आ गए थे, देखा ही होगा खाने के टेबल पे। ज्यादा मौका नहीं मिला बात करने का, वार्तालाप करने का, ब्लॉगिंग करने का। मैं जैसा बोला था कि यार थोड़ा बिजी शेड्यूल है। अभी 6 बज गए हैं और जो बीमार इंसान है अभी चलते हैं, उनको भी देखते हैं। और आज एडिटिंग का काम नहीं हुआ था, होपफुली आज रात में एडिटिंग अपन लोग करेगा। फिर पीछे हो रहे हैं, होने नहीं देंगे इस बार। कैसी हो तो कैसी है आप? तो ठीक हो जाएगा वो। क्या कांचा, दिवाली आम के साथ बनाएंगे दिवाली। सर्व आम दिया। आजकल रात में जो है अपन लोग आम खा रहे हैं और पेट निकालने की फुलटस कोशिश कर रहे हैं। मैंने सोचा कि शेक पिया जाए, प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक विथ मैंगो शेक, मतलब प्रोटीन है अपने पास में, बट लेकिन फिर हुआ कि नहीं, चलो रात में फिर शेक बोले तो फिर मैंगो शेक के लिए दूध चाहिए आपको, फिर उसमें प्रोटीन मिलाएंगे तो प्रोटीन नहीं बल्कि फैट हो जाएगा वो। तो मैं बोला चलो ठीक है, आम ऐसे खा लेते हैं और प्रोटीन ऐसे पी लेंगे पानी के साथ में, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो जो हमारी बीमार फ्रेंड थी उसको गए, देखे, मिले, बोले सब ठीक ठाक है फिलहाल, तो चक्कर आ रहा है तो चक्कर का कुछ तो वर्टिको वर्टिको कुछ तो बोलते हैं, तो वो कुछ हो गया होगा तो 48 घंटे में वो चक्कर जो है थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो आज यही हेक्टिक, मतलब 12:00 तो वहीं, 1:00 तो वहीं ब्लॉगिंग शुरू किया। फिर आशीष जी आ गए, बड़ा फास्ट था, बैठ गए, गपशप हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, फ्यूचर को लेकर प्लान हुई कि कोविड चल रहा है कैसे क्या करना चाहिए। सीनियर्स एडवाइस ऑलवेज वेलकम। तो वो सब हुआ, फिर घर हैं। अभी ब्लॉग समाप्त किया है, 11 बज रहे हैं रात के, सोने का टाइम हो गया है। आप ठीक है, काम चल जाएगा। मीठा है, खट्टा नहीं है, बट पेड़ का पावा का बात ही अलग होती है। तो चलिए आम खाते हुए मैंगो सीजन में रात के 11 बजे फैट बढ़ाते हुए सोते हैं। कल मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे ब्लॉग में। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। गुड नाइट, शबा खैर।